दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे इमोजीज के बारे में बताऊंगा जो अक्सर हमारे मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया एप्स में देखे जाते हैं। ये एक इमोजीज की सीरीज रहेगी जिसमें मैं आपको 300 से ज्यादा इमोजीज के नेम हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है ये, इसे इंग्लिश में स्माइलिंग फेस इमोजी कहते हैं और हिंदी में हंसता हुआ चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में थिंकिंग फेस इमोजी कहते हैं और हिंदी में सोचता हुआ चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्माइलिंग फेस विद हार्ट आईज इमोजी कहते हैं और हिंदी में दिल के साथ हंसता हुआ चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टार स्ट्रक कहते हैं और हिंदी में तारों से खुश कहते हैं। इसे इंग्लिश में हगिंग फेस इमोजी कहते हैं और हिंदी में गले लगाने वाला चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फोल्डेड हैंड्स इमोजी कहते हैं और हिंदी में जोड़े हुए हाथ कहते हैं। इसे इंग्लिश में नोजिएटेड फेस इमोजी कहते हैं और हिंदी में उल्टी करने वाला चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फेस वॉमिटिंग कहते हैं और हिंदी में उल्टी करते हुए चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में पाइल ऑफ पू कहते हैं और हिंदी में गोबर का ढेर कहते हैं। इसे इंग्लिश में बर्थडे केक कहते हैं और हिंदी में जन्मदिन का केक कहते हैं। इसे इंग्लिश में पार्टी पॉपर कहते हैं और हिंदी में भी इसे पार्टी पॉपर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में रॉकेट कहते हैं और हिंदी में भी इसे रॉकेट ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में डॉग फेस कहते हैं और हिंदी में कुत्ते का चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कैट फेस कहते हैं और हिंदी में बिल्ली का चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेबी चिक कहते हैं और हिंदी में बच्चा मुर्गा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल फिश कहते हैं और हिंदी में भी ट्रॉपिकल फिश ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में चेरी ब्लॉसम कहते हैं और हिंदी में भी चेरी ब्लॉसम ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैमबर्गर कहते हैं और हिंदी में भी हैमबर्गर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में पिज्जा कहते हैं और हिंदी में भी पिज्जा ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में टैक्सी कहते हैं और हिंदी में भी टैक्सी ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में बाईसाइकिल कहते हैं और हिंदी में साइकिल कहते हैं। इसे इंग्लिश में हेलीकॉप्टर कहते हैं और हिंदी में भी हेलीकॉप्टर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में लोकोमोटिव कहते हैं और हिंदी में भी इसे लोकोमोटिव ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मोटर स्कूटर कहते हैं और हिंदी में भी मोटर स्कूटर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेलबोट कहते हैं और हिंदी में जहाज कहते हैं। इसे इंग्लिश में एयरप्लेन डिपार्चर कहते हैं और हिंदी में विमान यात्रा कहते हैं। इसे इंग्लिश में एयरप्लेन अराइवल कहते हैं और हिंदी में विमान आगमन कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रेसेंट मून कहते हैं और हिंदी में अर्धचंद्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं और हिंदी में तारा कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं और हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। इसे इंग्लिश में मूवी कैमरा कहते हैं और हिंदी में भी इसे मूवी कैमरा ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्लैपर बोर्ड कहते हैं और हिंदी में भी क्लैपर बोर्ड ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में माइक्रोफोन कहते हैं और हिंदी में भी माइक्रोफोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हेडफोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे हेडफोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मोबाइल फोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे मोबाइल फोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में लैपटॉप कहते हैं और हिंदी में भी इसे लैपटॉप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं और हिंदी में भी इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में टेलीविजन कहते हैं और हिंदी में भी इसे टेलीविजन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वीडियो गेम कहते हैं और हिंदी में भी इसे वीडियो गेम ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में आर्टिस्ट पैलेट कहते हैं और इसे हिंदी में कलाकार पैलेट कहते हैं। इसे इंग्लिश में बुक्स कहते हैं और हिंदी में इसे किताबें कहते हैं। इसे इंग्लिश में ओपन बुक कहते हैं और हिंदी में इसे खुली किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में पुशपिन कहते हैं और हिंदी में भी इसे पुशपिन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में राउंड पुशपिन कहते हैं और हिंदी में गोल पुशपिन कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेपर क्लिप कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेपर क्लिप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं और हिंदी में कैंची कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्ट्रेट रूलर कहते हैं और हिंदी में सीधी सीमा पत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्राइंगुलर रूलर कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणीय सीमा पत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेंसिल कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेंसिल ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में फाउंटेन पेन कहते हैं और हिंदी में भी इसे फाउंटेन पेन ही कहते हैं।
इसे इंग्लिश में पेन कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेमो कहते हैं और हिंदी में इसको नोटिस कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रेयोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे क्रेयोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेंट ब्रश कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेंट ब्रश ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में कलर्ड पेंसिल कहते हैं और हिंदी में इसे रंगीन पेंसिल कहते हैं। इसे इंग्लिश में लोअर लेफ्ट बॉल पॉइंट पेन कहते हैं और हिंदी में इसे बॉल पॉइंट पेन कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लैक टिप कहते हैं और हिंदी में इसे काली कलम कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेपर क्लिप कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेपर क्लिप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में रूलर कहते हैं और हिंदी में इसे सीमा पत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिंक्ड पेपर क्लिप्स कहते हैं और हिंदी में इसे जुड़े हुए पेपर क्लिप कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेंट पेपर क्लिप कहते हैं और हिंदी में इसे मोड़ी हुई पेपर क्लिप कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं और हिंदी में भी इसे प्रोटेक्टर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में व्हाइट नीब कहते हैं और हिंदी में इसे सफेद कलम कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लैक नीब कहते हैं और हिंदी में इसे काली कलम कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्लोज बुक कहते हैं और हिंदी में इसे बंद किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीन बुक कहते हैं और हिंदी में इसे हरा किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लू बुक कहते हैं और हिंदी में इसे नीली किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑरेंज बुक कहते हैं और हिंदी में इसे नारंगी किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में ओपन बुक कहते हैं और हिंदी में इसे खुली किताब कहते हैं। इसे इंग्लिश में बुक्स कहते हैं और हिंदी में इसे किताबें कहते हैं। इसे इंग्लिश में नोटबुक कहते हैं और हिंदी में भी इसे नोटबुक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में लेजर कहते हैं और हिंदी में भी इसे लेजर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेज विद कर्ल कहते हैं और हिंदी में भी इसे पेज विद कर्ल ही कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 70 इमोजीज के नाम हिंदी और इंग्लिश में बताए हैं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर काम आएगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके अपने सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आगे के वीडियोस देखकर आप भी अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।